सब्सक्राइब करें HVAC गाइडलाइन चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज हम लोग स्प्लिट एसी डायग्राम के बारे में जानेंगे। टोटली ये बेसिक्स है, हम लोग आउटडोर टू इनडोर वायरिंग कैसे किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। पहले हम लोग इसका पार्ट चेक कर लेते हैं। ये देखो आउटडोर का ये टर्मिनल है, ठीक है, कनेक्टर। ये आउटडोर का कनेक्टर है, इसमें लाइन न्यूट्रल अर्थ, लाइन न्यूट्रल एंड कम्युनिकेशन वायर को हम लोग वायर बोलते हैं। ये इनडोर का है, ठीक है, इसमें लिख देता हूँ मैं, ये इनडोर का है, इनडोर यूनिट, ये इनडोर यूनिट का है। उसके बाद ये इनडोर यूनिट का पीसीबी है, ये ब्लोअर मोटर है, ठीक है, इनडोर यूनिट का ब्लोअर मोटर, और ये रहा इनडोर यूनिट का ब्लोअर, ठीक है, एक मिनट, ये रहा आपका इनडोर यूनिट का ब्लोअर, ओके, और ये रहा आपका कैपेसिटर। ये कैपेसिटर है पूरा, आप देख सकते हो 60+5 का हम लोग यूज़ किया है। जैसे जस्ट एक नाम दिया हूँ, ये 50+5 भी हो सकता है, 45+5 भी हो सकता है। ये कंप्रेसर का टनेज के हिसाब से ये कैपेसिटर लगता है, ठीक है। ये कैपेसिटर है, थोड़ा बड़ा है क्योंकि हम लोग इसका वायरिंग करेंगे, इसलिए हमने थोड़ा बड़ा बनाया कैपेसिटर। और ये रहा आपका कॉन्टैक्टर, 220 का ये कॉन्टैक्टर है, और ये रहा आपका कंप्रेसर। इस प्रॉपर लिखा हुआ देखिए, कंप्रेसर इसका कॉमन रनिंग स्टार्टिंग दिया गया है, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग वायर, और ये रहा आपका कंडेंसर फैन मोटर ऊपर में सबसे, ठीक है, कंडेंसर फैन मोटर आउटडोर यूनिट का, ओके, और ये रहा कॉन्टैक्टर। अभी हम लोग इसके बारे में जानेंगे, ये काम कैसे करता है, आउटडोर टू इनडोर वायरिंग कैसे की जाती है पूरा हम लोग जानेंगे। इसमें हम लोग देखो LP और HP स्विच भी यूज़ किया है, ठीक है। अभी हम लोग इसका पूरा वायरिंग के बारे में देखेंगे। आप शुरू से आखिर तक वीडियो देखो, क्योंकि आप थोड़ा स्किप करोगे वीडियो, आप थोड़ा से भी वीडियो स्किप करोगे तो आपको नहीं समझेगा, ठीक है। ये एकदम बेसिक्स, अगर आप ये वीडियो समझ गए मतलब आप स्प्लिट यूनिट का कोई भी वायरिंग कर सकते हो, ओके। जस्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी देखिए, ये रहा आपका लाइन, ये रहा पावर सप्लाई, 220 वोल्टेज का पावर सप्लाई, ये रहा आपका लाइन, और ये रहा न्यूट्रल, और ये रहा अर्थ। हम लोग अर्थ को आगे तक नहीं लेंगे, आप चाहिए तो आपको सब जगह अर्थ ले जा सकते हो, इसलिए ज़्यादा वायरिंग हो जाएगी, इसलिए हम अर्थ को इधर ही रख दिया हूँ। आप चाहिए तो अर्थ हर जगह बॉडी से कनेक्ट कर सकते हो, ओके। अब ये रहा लाइन और ये रहा न्यूट्रल। अब ये लाइन और न्यूट्रल ये जगह पर आया है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो, ये लाइन जो है, देखिए ये लाइन, ये लाइन देखो इधर लूपिंग किया गया है, ये वाला जो लाइन है इधर साइड में लाइन से लूपिंग किया हुआ है। अब दूसरा जो न्यूट्रल, सॉरी, ये जो न्यूट्रल वायर है, ये देखो इंडोर के लिए इसी सेम कनेक्टर में लूपिंग किया गया, ये लाइन चला गया ये लाइन में, और ये न्यूट्रल चला गया ये न्यूट्रल में, ओके। अभी हम लोग इस लाइन को हम लोग यहाँ पर लेके आएंगे, क्योंकि अब देखो ये लाइन सीधा इंडोर में जाएगा, ये लाइन आपकी है, ये लाइन जा रही है सीधा इंडोर में। हम लोग ऑलरेडी इसमें पेंसिल से स्केच किया हुआ ताकि ये वीडियो जल्दी बन सके, ओके, ये लाइन चला गया इंडोर में। अभी हम लोग को चाहिए न्यूट्रल, ये न्यूट्रल भी इसी सेम कनेक्टर से ये चला गया, ये न्यूट्रल वायर है, ये चला गया आपका इंडोर के न्यूट्रल पॉइंट पर, ओके, लाइन चला गया और ये न्यूट्रल चला गया आपका इंडोर यूनिट के कनेक्टर में, ओके। उसके बाद ये लाइन और न्यूट्रल आपका पीसीबी में जाएगा, इंडोर में पीसीबी कनेक्ट होती है, ओके, ये लाइन था और ये रहा न्यूट्रल, ये लाइन न्यूट्रल पीसीबी में गया, पीसीबी से ये लाइन एंड न्यूट्रल कनेक्ट होता है, आप लोग देख सकते हो पीसीबी से
पीसीबी से ये लाइन न्यूट्रल कनेक्ट होता है जो ब्लोअर मोटर को जाएगा, ठीक है। फिर ये ब्लोअर मोटर रोटेट होगा, ये ब्लोअर मोटर स्टार्ट होगा, ओके। उसके बाद जब ब्लोअर मोटर पहुंचने के बाद ये आउटडोर को ऑन करने का एक कम्युनिकेशन वायर होता है, जैसे कि अगर यहाँ पर रूम टेम्परेचर 26 आपने 22 सेट किया है तो ये यहाँ पर एक इंडोर सेंसर पीसीबी को कमांड करेगा कि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 26 है, इसको 22 चाहिए। तो यहाँ से एक पावर सप्लाई पीसीबी छोड़ता है आउटडोर के स्टार्ट होने के लिए, ठीक है। अब ये वाला जो पीसीबी था छोड़ता है वाई, हम लोग इसको वाई लिखा हुआ है, पीसीबी एक पावर सप्लाई छोड़ेगा आउटडोर को ऑन करने के लिए, एक सीपी जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेसर पावर, ठीक है, हम लोग इसको वाई लिखा हुआ है। ये जब कंप्रेसर पावर छोड़ेगा, एक पावर सप्लाई आउट करेगा पीसीबी आउटडोर ऑन होने के लिए, तो ये पावर सप्लाई आया इंडोर कनेक्टर में, इंडोर कनेक्टर से ये आउटडोर कनेक्टर में गया। आप लोग देख सकते हो ये रहा आउटडोर का यूनिट, ये पावर सप्लाई 220 लेके आया, ओके, ये गया आउटडोर में, आउटडोर के कनेक्टर में गया। आउटडोर से ये कनेक्ट होता है, लूपिंग दिया जाता है एलपी स्विच में, एलपी स्विच का आउट हुआ, फिर जाता है ये एचपी स्विच में, एचपी स्विच के बाद ये जाता है, ओके। पीसीबी पावर सप्लाई आउट किया, ये आया अपना इंडोर कनेक्टर के वाई लाइन में, और ये फिर कनेक्टेड है आउटडोर यूनिट में, इसको हम लोग सीपी भी बोलते हैं, ठीक है। कंप्रेसर पावर ये आया, उसके बाद ये गया एलपी एचपी में, पहले लो प्रेशर स्विच और हाई प्रेशर स्विच में, यहाँ पर ये गैस चेक करेगा सिस्टम में गैस है या नहीं है, और ये एचपी स्विच हाई प्रेशर पे ट्रिप करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ओके। ये गया कॉन्टेक्टर के A1 पॉइंट पर। अभी हम लोग का आगे का प्रोसीजर है, ये न्यूट्रल लाइन कॉन्टेक्टर से कनेक्टेड है, उसके बाद ये वाली फेस, यहीं से एक फेस भी गया जो कॉन्टेक्टर के लिए जाएगा, ये रहा लाइन और ऊपर वाला रहा न्यूट्रल, ओके। ये लाइन और न्यूट्रल कॉन्टेक्टर में गया, कॉन्टेक्टर में जाने के बाद जब ये लाइन ऐसे जाएगा, ओके, और यहीं से एक लाइन हम लोग और उठाएंगे जो कॉन्टेक्टर के A2 पर लेके जाएंगे, ओके, क्योंकि हमारा जब कॉन्टेक्टर तभी ऑन होगा जब A1 और A2 पर न्यूट्रल फेस मिलेगा। ये किसी पर हो सकता है, आप इस पर फेस दे सकते हो, आप A2 पर फेस दे सकते हो, ओके। एक न्यूट्रल हम लोग यहाँ से दे दिए, इधर से कम्युनिकेशन वायर जो आता है कमांड वायर, ये इसमें पावर सप्लाई आउट होगा पीसीबी से, ये पीसीबी से आउट हुआ एलपी स्विच में जाएगा, उसके बाद एचपी स्विच में जाएगा, एचपी स्विच से ये कॉन्टेक्टर के A1 पॉइंट पर आएगा, ओके। अब ये जब कॉन्टेक्टर स्टार्ट होगा तो ये पावर सप्लाई आगे पास करेगा, जिसमें से एक पावर सप्लाई आपका न्यूट्रल जो है कैपेसिटर में जाएगा, और जो आपका फेस है
ये जो फेस है वो कंप्रेसर के कॉमन पॉइंट पर जाएगा। ओके, कंप्रेसर का जो कॉमन है, कंप्रेसर के कॉमन में हम लोग डायरेक्ट फेस देंगे, जो कॉन्टेक्टर से निकला हुआ डायरेक्ट फेस हमारा अपना कॉमन पे जाएगा। ओके, ये कॉमन, ये रनिंग और ये स्टार्टिंग पॉइंट है कंप्रेसर का ये। उसके बाद हमारा न्यूट्रल जो है, कैपेसिटर के तीन पार्ट, तीन कनेक्टर होते हैं, जिसमें कि जिसमें एक एक कॉमन होता है, एक फैन होता है, एक हर्म होता है। ठीक है, ये तीन चीज़ होता है। आपको मैं कैपेसिटर का एक फ़ोटो दिखाता हूँ, ठीक है, आप लोग देखो। इसमें देखो लिखा हुआ है, ये सी है, ये फैन है और ये हर्म है। हमारा जो न्यूट्रल है वो कॉमन में जाएगा। ये कॉमन से आउट हुआ हुआ हमारा रनिंग वायर ये रहा, ये हमारा न्यूट्रल का न्यूट्रल न्यूट्रल में आएगा। ये न्यूट्रल निकला कैपेसिटर में, क्या कैपेसिटर से एक वही सेम वायर जिसको हम लोग रनिंग वायर बोलते हैं वो गया हमारा रनिंग में, ठीक है, कंप्रेसर के रनिंग में। उसके बाद जो हम लोग का आता है, एक आता है स्टार्टिंग। स्टार्टिंग हमेशा सेपरेट रहता है, जैसे इसमें हार्म लिखा है, ये हमेशा सेपरेट रहेगा। इसको हम लोग सीधा हम लोग दे देंगे, ये रहा हार्म में एच लिखा हुआ रहता है कैपेसिटर में, आप देख सकते हो। उसके बाद जैसे ही हमारा सिस्टम ऑन हुआ, फेस हमारा सीधा चला गया कॉमन में, न्यूट्रल गया कैपेसिटर में, कैपेसिटर्स के सी पॉइंट पर, उसके बाद वो आउट हुआ कंप्रेसर के रनिंग में, टर्मिनल में गया। उसके बाद जो हार्म लिखा हुआ वो एक सिंगल वायर हमारा कंप्रेसर के स्टार्टिंग में गया। सेम यही सेम चीज जो कॉमन रनिंग स्टार्टिंग है, हमारा कंडेंसन फैन के लिए भी जाएगा। देखिए ये फैन का स्टार्टिंग है हमारा, ये फैन का स्टार्टिंग है। ओके, ये फैन का स्टार्टिंग हमारा स्टार्टिंग लाइन में गया। उसके बाद जो हमारा कॉमन है, इसको हम लोग डायरेक्ट हम लोग पावर सप्लाई देंगे। जो कॉन्टेक्टर से आउट हुआ पावर सप्लाई वो ये है, हम लोग यहीं से एक फेस लेके सीधा ऊपर जाएंगे। ये देखिए यहाँ से जो फेस निकला कॉन्टेक्टर से, जो आउट हुआ फेस वो हमारा कॉमन पॉइंट में चला गया, कॉमन वायर में चला गया। उसके बाद जो न्यूट्रल आउट हुआ वो कॉन्टेक्टर के सी पॉइंट पर गया, सी पर से हमारा कंप्रेसर के रनिंग पॉइंट पर गया। उसके बाद यही सेम न्यूट्रल हमारा कंडेंसर फैन के लिए भी जाएगा। ओके, कंप्रेसर का कॉमन रनिंग स्टार्टिंग वायर हो गया, और कंडेंसर फैन का कॉमन स्टार्टिंग और रनिंग वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हमारा कंडेंसर फैन भी ऑन हो गया। ओके, अभी हम लोग फिर से शुरू से देखेंगे वायरिंग का पूरा। स्टार्ट हुआ फेस और न्यूट्रल और अर्थ, ये हमारा मेन पावर सप्लाई हो गया। ओके, ये गया लाइन में और ये गया न्यूट्रल में। सेम ये लाइन हम लोग लूपिंग करके दूसरे कनेक्टर में दिया, न्यूट्रल का न्यूट्रल में, और ये लाइन का लाइन में दिया, ठीक है। ये लाइन और न्यूट्रल सेम, देखो ये लाइन और न्यूट्रल हमारा इंडोर यूनिट के लाइन और न्यूट्रल में गया। ओके,
उसके बाद ये लाइन और न्यूट्रल हमारा पीसीबी से कनेक्टेड है, पीसीबी से कनेक्टेड हमारा ब्लोअर मोटर भी है। ओके, ब्लोअर मोटर हमारा ऑन हो गया, हमारा ब्लोअर रोटेट होने लगा। ओके, उसके बाद रूम टेम्परेचर सेंस करेगा पीसीबी और सेट पॉइंट सेट करेगा। सपोज़ हमारा रूम टेम्परेचर 22 हमको चाहिए और जो रूम टेम्परेचर है आपका 26 है, उस टाइम पर यहाँ पर एयर सेंसर, ठीक है, पीसीबी को बताएगा कि यहाँ पर रूम टेम्परेचर ज़्यादा है। उसके बाद ये पीसीबी एक पावर सप्लाई आउट करेगा। ओके, जैसे ये वायर से आउट करेगा जिसको हम लोग कंप्रेसर पावर बोलते हैं, आउटडोर स्टार्ट होने के लिए, ये सिस्टम स्टार्ट होने के लिए। ये आया हमारा ये जगह पर वायर पर, इंडोर यूनिट के कनेक्टर के वायर में आया, ये वायर वाला आपको आउटडोर के वायर कनेक्टर में गया। उसके बाद यहाँ से जब आउट होगा तो हमारा एलपी स्विच में जाएगा, एलपी से हमारा आउट एचपी में जाएगा, एचपी से आउट हुआ हुआ हमारा कॉन्टेक्टर के ए पॉइंट पे जाएगा। ओके, कॉन्टेक्टर को हमको फेस मिल गया, अभी चाहिए न्यूट्रल। अब ये वाला हमारा न्यूट्रल देखो सीधा गया है कॉन्टेक्टर में और ये हमारा लाइन एक गया है कॉन्टेक्टर में। ओके, उसके बाद सेम न्यूट्रल हमने ए टू में दे दिया, हमारा ए टू और ए वन में फेस आ गया। उससे क्या होगा, कॉन्टेक्टर स्टार्ट होगा, ये वाला पावर हम लोग को यहाँ पर मिलेगा, ये लाइन हमको ये जगह मिलेगी और ये वाला न्यूट्रल हमको ये जगह मिलेगा। ओके, ये वाला न्यूट्रल हमको ये जगह मिलेगा और ये वाला लाइन हमारे हमको इस जगह मिलेगी आउट में। अब ये लाइन हमारा दोनों कंप्रेसर के कॉमन में और कंडेंसर फैन मोटर के कॉमन में चला गया। ओके, लाइन सीधा चला गया, हमको कैपेसिटर से कुछ मतलब नहीं लाइन के लिए। उसके बाद जो हमारा न्यूट्रल निकला वो कैपेसिटर के सी कॉन्टैक्ट्स में गया, जिसको हम लोग कॉमन बोलते हैं, वहाँ से ये न्यूट्रल हमारा रनिंग में गया और यही सेम न्यूट्रल हमारा रनिंग के कंडेंसर फैन में गया। उसके बाद स्टार्टिंग वायर बचा, स्टार्टिंग वायर हमेशा सेपरेट रहता है, चाहे वो फैन का हो चाहे वो कंप्रेसर का हो। कंप्रेसर के स्टार्टिंग लाइन में एच लिखा हुआ जिसको हर्म बोलते हैं, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ये कैपेसिटर से हम लोगों स्टार्टिंग पे गया और ये फैन जो लिखा हुआ कैपेसिटर में, ये स्टार्टिंग वायर हमारा कंडेंसर फैन के स्टार्टिंग में गया। ये कंप्रेसर भी ऑन हो गया, कंडेंसर भी ऑन हो गया। ये हम लोग देख सकते हैं कंप्रेसर का एक डिस्चार्ज लाइन होता है, एक कंप्रेसर का सक्शन लाइन भी होता है। डिस्चार्ज लाइन पर हमारा एचपी स्विच कनेक्ट होता है, सक्शन लाइन पर हमारा एलपी स्विच कनेक्ट होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।